दोस्तों, आपने क्रेम कैरेमल या कैरेमल कस्टर्ड तो काफ़ी खाया होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए जिससे ये टेस्ट में एकदम स्वादिष्ट हो और दिखने में भी उतना ही अच्छा लगे और ये बनाने भी उतना ही आसान हो। तो स्वागत है आपका शेफिंग विद AK में। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा 4 अंडे, 1/4 छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर या सिनेमन पाउडर, 150 ग्राम चीनी कैरेमल के लिए, 1 वनीला बीन स्टिक। मैं आपको बोलूँगा कि आप वनीला बीन स्टिक ही यूज़ करो क्योंकि इसका स्वाद एकदम ही अनोखा होता है। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। 1 सेब, 80 ग्राम चीनी दूध के लिए, 170 ग्राम क्रीम और 330 मिलीलीटर दूध। ये आप अगर फुल फैट मिल्क लोगे तो और भी बेटर रिजल्ट आएगा। अभी इसके लिए हमें अंडे फोड़ने पड़ेंगे। अभी हमें इसके लिए 2 पूरी अंडे चाहिए और 2 योग चाहिए। इसके बाद आप पूरा क्रीम दूध में डाल दीजिएगा और मैं इसमें आधी चीनी डाल दूंगा। अभी आपको वनीला बीन इस तरीके से काटना है, तो पहले उसको आधे में चीरिए, उसके अंदर से जो भी उसका पेस्ट है वो निकालिए और फिर उसको दूध में डालें और जो वनीला बीन का छिलका रह जाए उसको भी दूध में डाल दीजिए, उसके अंदर भी बहुत फ्लेवर रहता है। इधर आप ये वनीला बीन की जगह पर वनीला एसेंस भी डाल सकते हो, तो वनीला एसेंस को दूध में डालने की जगह उसको सीधा अंडे के अंदर ही डाल सकते हो। अभी आप जब दूध के अंदर वनीला बीन डाल देंगे तो उसको एकदम अच्छे से मिलाना और उसको गैस पर बॉयल करना। तो दूध को गर्म करने के बाद उसको ढक देना ताकि जो वनीला बीन का जो फ्लेवर है वो दूध में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। अभी जो हमने आधी शक्कर जो दूध में डाली थी वो बाकी की आधी शक्कर ये अंडे में डाल के उसको अच्छे से विस्क कीजिए। अब जब आपका दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको अंडे के अंदर डालिए, लेकिन याद रखना दूध को बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर दूध ज़्यादा गर्म होगा तो एग स्कर्डल हो जाएगी, वो उधर ही कुक हो जाएगी और आपको अंडे को इधर कुक नहीं करना। अभी समय है एप्पल, तो एप्पल का छिलका निकाल दीजिएगा नाइफ की मदद से। तो जब एप्पल का छिलका निकल जाए तो उसको आधे में काट लीजिएगा, पूरे एप्पल को ऐसे काट देना। तो जब पूरे एप्पल कट जाए उसको साइड में रख दीजिएगा। अभी एक पैन लीजिएगा, उसके अंदर पानी गर्म करने रखना, जो दालचीनी पाउडर रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल देना। जब ये पानी बॉईल हो जाए तो उसके अंदर जो भी हमने एप्पल काटे हुए थे वो पूरे डाल दीजिएगा। अभी उसको ढक के पकाइएगा। उसको तब तक पकाना है जब एप्पल ऐसे नहीं दिखता, ये पूरा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा दिखने में, मतलब ये एप्पल हो गया और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अभी बस इसको अपने केक मोल्ड के अंदर अरेंज करो। ऐसे अरेंज करने से वो जब बाहर निकलता है क्रेम कैरेमल तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो एक बार देख लीजिए और ऐसे ही अरेंज कीजिएगा। अभी जो हमने 150 ग्राम चीनी रखी थी उसका कैरेमल बनाएंगे। तो कैरेमल बनाने के लिए पूरी चीनी एक पैन में डाल दीजिएगा, गैस ऑन कर देना। तो बस शक्कर को इसके अंदर डाल दीजिए और वो अपने आप थोड़ी बहुत मेल्ट होने लगेगी। याद रखिएगा, इधर ज़रा भी चमचा या कोई डाल के शक्कर को हिलाना मत, उसको बस अपने आप मेल्ट होने देना। जब थोड़ी शक्कर बीच में से मेल्ट हो जाए तब चमची की मदद से साइड से शक्कर बीच में कीजिएगा ताकि पूरा इवनली मेल्ट हो। याद रखिएगा, उसका कलर एकदम लाइट नहीं होना चाहिए और एकदम डार्क भी नहीं होना चाहिए। अगर एकदम डार्क हुआ तो जला हुआ टेस्ट आएगा। अब बस हमने जो एप्पल अरेंज किए थे मोल्ड के अंदर, ये पूरा कैरेमल उसके ऊपर डाल दीजिए। उसको अब ठंडा होने रख दीजिए, तो वो ठंडा होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अभी जो हमने दूध और अंडे का जो मिक्सचर बनाया था उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। अभी जो ये दूध और अंडे का मिक्सचर था उसको जो कैरेमलाइज्ड एप्पल थे उसके ऊपर डाल देना। अभी बस वो केक मोल्ड को बेकिंग ट्रे के ऊपर रख के बेकिंग ट्रे के ऊपर गर्म पानी डालिएगा। याद रखना, केक मोल्ड का आधा हिस्सा गर्म पानी में रहना चाहिए, तो आप उतना पानी भरना उसमें। अब बस उसको 180 डिग्री के प्री हीटेड ओवन के अंदर 30 से 35 मिनट तक बेक करने को रखना। अब अपने चाकू की मदद से उसके साइड्स को निकालिएगा और एक प्लेट की मदद से उसको उल्टा कीजिएगा प्लेट के ऊपर। और ये देखो, लग रहा है ना एकदम सुंदर। क्या इसको अभी और सुंदर करना चाहते हो? तो चलो इसको और सुंदर करते हैं। तो अभी हम इसके डेकोरेशन के लिए स्पंज शुगर बनाएंगे। तो स्पंज शुगर के लिए आप 50 ग्राम चीनी ले लेना और उसको भी पैन के ऊपर गर्म करना कैरेमल बनाने के लिए। इसको भी ठीक वैसे ही अपने आप गर्म होने देना, बीच में चमची से हिलाना मत, और जब बीच में से थोड़ा मेल्ट हो जाए तब इसे साइड में से चमची की मदद से जो साइड पे लगा हुआ शुगर है वो बीच में ला दीजिएगा। अब बस जैसे ही उसका वो सुनहरा गोल्डन कलर आ जाए तब उसको निकाल दीजिए। तो अभी वो कैरेमल को गैस के ऊपर से हटा के एक बटर नाइफ या फोक की मदद से कैरेमल लेके ऐसे कीजिएगा। इसको बहुत तेज स्पीड में आगे पीछे करते जाइएगा
और आप देख सकते हो कि अपने आप ट्रैक बन रहा है। अब जब आपका कैरमल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब उसको एकदम हल्के से अपने हाथ से अपनी तरफ घुमाएगा और उसको आप जो भी आकार दे सकते हो आप दे दीजिएगा। अब बस उसको हम अपने कैरमल कस्टर्ड के ऊपर रख देंगे। देखो लग रहा है ना एकदम सुंदर, ये बना के आप अपने मेहमानों को खुश कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने और एक गार्निश डाली हुई है जो है केसर ट्वीट। ये जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हो।